बेटा है, छठा मकान सातवां घर। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, आरजे करिश्मा फनी मूवमेंट, हमारी फेवरेट बाइक रीलर इन्फ्लुएंसर जो कि इतनी प्यारी और फनी वीडियो बनाती है, रिलेटेबल ज्यादा बनाती है। ये हर दिन हर घर में होता है जो ये बनाती है, वो कहानी बताती है अपनी जुबानी में। तो चलते वीडियो की ओर। प्यारा सा लाइक कमेंट लाजमी करना। 3, 2, and start। क्यों दिया बस 3 दिन के लिए रहने के लिए? जो फेवरेट कजन है आ ही नहीं रही थी। मासी से पूछ, इन्होंने बात किया मम्मा से, मम्मा बोली यहाँ से शादी की शॉपिंग करेगी, वहां से माल ले जाएगी। तुझे पता ना वो कैसे बोल दिया। मैं कहा नहीं, मुझे यहीं पे आगे करना है, मैं गुड्डू के साथ शॉपिंग कर लूंगी। दी आप स्टोरी बताओ ना अपनी, आप जीजू से कैसे मिले? एक्चुअली काफी फनी स्टोरी है। मैं अपनी फ्रेंड की ना बहन की शादी में गई थी, वहाँ पे संगीत हो रहा था, तो आशुतोष के जो पार्टनर है उसके पैर में लग गई और डांस नहीं कर पाई, तो मुझे करना पड़ा साथ में। That's how we met. तो फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती फिर घर में बताने में, डर नहीं लगता? It depends. लड़का कैसा है? तेरा प्लान है क्या कुछ? नहीं मैं ऐसे पूछ रही हूँ कुछ भी। हाँ दो दिन में सब काम निपट गया, मेरे को लगा तीन। अरे पर मेकअप प्रोडक्ट्स उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अरे दी मार्स कॉस्मेटिक्स, पता है मैं आपको वही दिखाने के लिए आ रही थी कि यार इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ही सही प्रमोशन है। प्रमोशन हो गई, हो गई, पता भी नहीं चला रील है। ये इनका लिप क्रेयॉन है गर्ल पार, इसका देखना कलर कितना प्यारा आता है, थोड़ा ही लगाया मैंने। और ये मस्कारा देख लो आप बस, हमारे काम का तो है नहीं कुछ। इसका मेरे को भाई वाला कैरेक्टर बहुत याद हो गया। मम्मी मना कर रही है, बोल रही है वो और आप ही जाएंगे, मेरी कोचिंग है मुझे वहाँ जा। मैं बात करूँ मासी से? नहीं रहन, तो फिर उनको लगे या मैंने बोला फिर गुस्सा हो जाएंगे। चल ठीक है, सैंडविच लाओ तेरे लिए, वो जो हम कॉर्नर पे खाते थे आपको याद है? दी मम्मी को बोलना ना मेरे को शादी के एक हफ्ते पहले ही भेज दे। ऑलरेडी बोल दिया, आई लव यू। पागल है तू, बड़ी आंटी क्या बना दिया भी क्या बना दिया इसको? Excuse me? Are you Pinky's daughter? Pinky, really? She exactly looks like her. What's your mother's name? Pallavi. Pallavi. Full name? Pallavi Sharma. जब भी कोई नाम पूछे पूरा नाम बताना चाहिए बेटा, इससे समझ में आता है। What is your father's name? Ashok. Yes, you are Pinky's daughter. I told her. Do you know me? No, you don't. Kabhi mummy ne bola hai koi bhuji auntie thi? No. Aapki mummy meri neighbor thi. अच्छा। दिल्ली में, यस हाँ जी। वो घर आती थी खाना खाने, अपने घर पे नहीं खाती थी, मुझे बोलती थी भूजी आंटी आपने क्या बनाया। She was so cute, so adorable. होता है ऐसा, कोई ना कोई रिश्तेदार निकल आता है कोई ना कोई। You must be her daughter. So cute. What do you do, बेटा? Very good. Which college? मेरा जो grandson है वो भी वहाँ पढ़ता है। Yes, बेटा. Very good. Have you come alone or mummy? No, she's not. Oh, please say my hi to her. Please. Unko bolna I met Bhuji auntie. Okay. God bless you. God bless you. नहीं ये इतने दिनों से बोल रही है नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। अब इतने बोला अब तो लेके जाओ इसको नानी के घर। आपने फ्लाइंग किस दी नानी को? अरे फ्लाइंग किस लेती है अभी? नानी की लाडो क्या खाएगी लंच में? आलू पराठा और पिज्जा। मम्मा इतना तामझाम मत करो, जो सबके लिए बन रहा है दाल चावल वो ही बनाओ इसके लिए। अरे कभी कभी तो आती है नानी के घर, बनाएगी इसकी नानी सब इसके लिए है ना? नानी होती है ऐसी भाई। मेरे को बोलती नानी वो गाना लगाओ ना लुट पुट गया लुट, इतना प्यारा डांस करी थी। अरे इसको बहुत पसंद है गाना, रोज सुबह लगवाती है मुझसे। आपको याद है ना स्कूल में छैया छैया पे डांस करती है भाई? तीन दिन कैरेक्टर चल रहे हैं। नहीं मतलब बेटी का कैरेक्टर भी ऐसा फील आ रहा है मेरे को, देखा है मैंने भाई बात करती है अपने। गिरा दिया केचप, कभी ढंग से नहीं खाती यार मम्मा ये लड़की। अरे उसने कुछ नहीं किया, मुझसे गिर गया ये तो। पर तू टेंशन मत ले, एसआरके है ना, तुझे क्या लगा कि बस तुम ही दोनों एसआरके के फैन हो? मम्मी दाग लगने पे एसआरके क्या करेंगे? अरे शाहरुख खान ने कहा ना कि टाइड ही है असली एसआरके, स्टेन रिमूवल के। अरे भाई इसमें भी प्रमोशन, चौक गए मम्मा मेरी थोड़ी देर हर बार दे दिया।
आजकल हम शादी की कितनी फ्रीक्वेंटली शॉपिंग कर रहे हैं। बिफोर मैरिज मैं जाती हूँ, मेंस वेयर दिखता है तो मैं आपको इमेजिन करने लग जाती हूँ उन कपड़ों में। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहनोगे तो परसों ना मेरे को एग्जैक्टली डेनिम शर्ट दिख रही तो मैं आपको इमेजिन कर रही थी। मेरे को लगा आपको कितनी अच्छी लगी है, इसमें क्या क्यूट है, आपको मेरा सब क्यूट लगता है ना। तुम लोग बाहर जाओ, मुझे बात करनी है। किससे क्या करनी है? अपने होने वाले पति से करनी है। जाओ ठीक है, सुनिए बड़ा कॉन्फिडेंस आता नई नई दुल्हन को ऐसा। बिफोर मैरिज भाई, फिर से क्या बोलना है? होने वाला पति। मैं नहीं बोल रही, अब कितनी बार बोलो यार, ऐसे सीन नहीं देखने चाहिए, ऐसे नहीं देखने चाहिए। सिंगल लोगों को दर्द होता क्या मतलब यार? मुझे बोल रही थी अमित, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़ है करता रहता है घर में, पूरी चीजें तुम्हारे हिसाब से हो रही है, सिंगल लोगों का दर्द जगा रही है, मुझे हिसाब से बन रहा है। हां ठीक है, मेरे लिए सरप्राइज है, मुझे पता है, बट मैं मुझे अच्छा लग रहा था। प्लीज बेबी, बेबी क्या कुछ नहीं बोला, क्या बोला? मैं बोला प्लीज दवाई ले लो। बेबी को मैं बेबी नहीं बोला। अच्छा सुनो, मम्मी बुला रही है, बैक बैक करती हूं। चलो आज मैं अपनी कजिन के साथ शॉपिंग कर रही थी तो बोलती है जीजू से कलर पूछ लेना उनका फेवरेट। लहंगा तो ले लिया, लहंगे की बात नहीं कर रही थी वो। मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रही थी, पर आपको पता होगी मैं रखू वो। मैं नहीं बोल, वाह लूट लिया है तो पूरा ब्रदर की गर्लफ्रेंड। ए विकी। हाँ बोल चिकी। वैलेंटाइंस डे आने वाला है, माहौल होगा हॉट, लेकिन तू घर पे बैठ के खेलेगा She loves me not। ओफो, फिर आ गई मेरा खून पीने, चैन से मुझे क्यों तू नहीं देती जीने। मैं अभी मूड में हूँ, सॉर्ट कर दूँ तेरा मैटर, तेरी बात तेरी वाली से, वो भी तेरे लिए। आई गेस उसके बाद होगा तुझे फील बेटर, है ना? बोल बोल। एक मिनट, मेरा काम बिगाड़ने वाली सोच रही है मेरा बेस्ट, ये बात तो मुझसे हो ही नहीं रही है। डाइजेस्ट तो वैसे ये मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन बंदी को क्यों नहीं पता कि तू उसको लाइक है करता। थोड़ा एंक्शस हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट। गाना किसने गाया भाई? वो नहीं समझेगी मेरे सेंटिमेंट्स, फिर लगता है जाके बोल दूं वंस एंड फॉर ऑल, लेकिन ना नहीं सुनना। आई एम नॉट रेडी टू फॉल। अरे ओ मिस्टर मजनू, तू रिलैक्स कर, चिल होके दिल खोल, मुझसे बात कर। हाँ है कोई, मैं जिसको बोल नहीं पा रहा। तो कर बिल्कुल वैसा ही जैसा अपू ने बता रहा। कैसे बताना, कैसे? थोड़ा इमोशन, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा एटीट्यूड चेंज, फिर मिल जाएगा चांस। अरे मैं हूँ ना, बन दूंगी तेरे सिंगल हुड का ट्रेंड, और वो बन के रहेगी मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड। काम की है उस्ताद, ये सिंगल लोंडो के लिए। ये तो बाबा वो पूरे टोटके बता रही है। ये टोटके पता नहीं, खुद भी सिंगल थी, सिंगल ही ना हो। ऐसा नहीं है, लेकिन भाई ये बंदी ऐसी है, मेरे को लगता है बंदी का ऑब्जर्वेशन जो है ना बड़ा खतरनाक है, दादियों को पढ़ रखा है। दादियों को, और जो नानी वाला था ना, मेरे को सबसे फेवरेट वो लगा, क्योंकि ऐसा है माँ का घर जाना जो है ना, मेरी माँ हो या इसकी माँ हो या आपकी माँ गई है, तो भाई उनका बात करने का लेजा एकदम ऐसा हो जाता है। ये जबकि मतलब शादी से पहले तो भाई इतनी मोहब्बत से बात नहीं करते, घर में आते शादी के बाद ये देखा मैंने यार। और वो क्या बोलते हैं, बूढ़ी आंटी, ऐसी एक ना एक कोई एक है जिसको निकल आती है, गली मोहल्ला सब जानते हैं, एक आंटी जब पे भाई ऐसा लगता है, वो तेरे को पहचान जाएगी लेकिन तू नहीं पहचानेगा। मैं इसको मेरा डिटेल पता सारा, पूरा दादाओं को बता देगी, पहचानेगी ना, बाप का नंबर बता दिया, माँ का, ओहो उसका बेटा है, छठा मकान सातवां घर, पूरा पूरा घर का एड्रेस देगी तुम्हारे को। ऐसे भी लोग हैं मजेदार भाई। अगर आपको इनका एक और पार्ट देखना है या चिमकांडी देखना है या आपका कोई और इन्फ्लुएंसर है रीलर है जिसके आप फनी वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।